गुड मॉर्निंग डियर माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं ऋषभ आप लोगों को एवरग्रीन कोचिंग क्लासेस में हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे देखिए हम लोग प्रत्येक दिन नए नए बिंदुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज भी हमारा एक नया बिंदु है और वह बिंदु है समास सभी कक्षाओं के लिए, और इसका पार्ट वन आप लोगों के बीच में लेकर के हिंदी व्याकरण का आ गया हूँ। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अब अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो जैसे आपकी मैंने पहले ही डाल दिया है समास, समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है। तो अभी आप जैसे संधि पढ़ रहे हैं तो संधि में आपने पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है और उसमें परिवर्तन होता है तो उसे समास कहते हैं, और शब्दों को जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। यह एक ही परिभाषा है। क्या है आपकी परिभाषा? कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द की रचना होती है तो उसे समास कहते हैं, और शब्दों को जोड़ने से जो नए शब्द का जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, इसमें समस्त पद क्या है? माता पिता। दोपहर, दोपहर का मतलब क्या? दोपहर जो समस्त पद है आप लिख सकते हैं इसको दोपहरों का समय, दोपहरों का समय। उदाहरण में ले सकते हैं नीलकंठ, क्या? नीलकंठ, यह एक समस्त पद है। क्या है? समस्त पद, और इसका क्या हो जाएगा? नीला है कंठ इसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका नीला है कंठ जिसका। तो समास के बारे में आप जान गए कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द की रचना होती है तो उसे समास कहते हैं, और शब्दों को जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समस्त पद कहते हैं। उदाहरण में आप लोगों के सामने लिखा हूँ माता और पिता, इसका समस्त पद यह है, और माता और पिता यह इसका विग्रह है। दोपहर समस्त पद है, दोपहरों का समय। नीलकंठ समस्त पद है, नीला है कंठ इसका। देखिए समास का मतलब होता है कि किसी बड़े से बड़े कई शब्दों के से मेल से जो शब्द बन रहे हैं उनको छोटे रूप में लिखना हमारा क्या काम होता है? समास का काम होता है। और जो पूरा उसके पूरा रूप में लिखने तो उसे विग्रह कहते हैं। जैसे नीला है कंठ जिसका, यह क्या है? एक बहुत बड़ा ही शब्द है, इसको हमने किसमें लिख लिया? नीलकंठ में। तो यह इसका क्या होगा? ये दोनों शब्द जुड़ गए, नील नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ क्या हो गया? नीलधन कंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक। और यह उसका विग्रह हो गया और यह उसका समास हो गया। आगे बढ़ें तो आगे पढ़ते हैं समास और संधि में क्या अंतर होता है। समास और संधि में अंतर बताइए कि समास और संधि में कौन कौन से अंतर होते हैं। समास और संधि में अंतर, तो आपकी बात जान जाइए कि संधि जो होती है दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है, और समास में दो या दो से अधिक शब्दों की मेल से परिवर्तन होता है। तो समास और संधि में आप अंतर जान गए होंगे। अब देखते हैं समास के भेद, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद। अगली हेडिंग है आपकी समास के
भेद। क्या है अगली हेडिंग आपकी? समास के भेद। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास के छह भेद होते हैं, या समास छह प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? समास छह प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? छह प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आइए अभी जान लें कि समास छह प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला है, देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं? छह प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, दूसरा कर्मधारय, तीसरा होता है द्विगु समास, तीसरा क्या होता है? द्विगु समास, द्विगु समास, चौथा होता है आपका द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। पांचवा होता है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, सॉरी अव्ययी भाव, और छठा होता है आपका बहुव्रीही समास। क्या होता है? बहुव्रीही। बहुव्रीही समास, बहुव्रीही। वे छह प्रकार के आपके समास होते हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीही समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास छह प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीही समास। हम आज आपको पढ़ाएंगे कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। आज हम आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताएंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास क्या होता है। तो हेडिंग है आपकी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, देखिए इस समास में, तत्पुरुष समास में, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद, पूर्व पद गौण होता है। पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है। पूर्व पद गौण होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो इसमें उत्तर पद होता है वह विशेष होता है और पूर्व पद विशेषण होता है। उत्तर पद विशेष और पूर्व पद विशेषण होता है। विशेषण जब आप इस तत्पुरुष समास की
समास का आप विग्रह करेंगे। तो जब आप समास का विग्रह करेंगे तो जो समास के विग्रह में उत्तर पद होगा वही प्रधान होगा और जो पूर्व पद होगा वह गौण होगा। ठीक, यानी कि उत्तर पद ही विशेष्य होगा और पूर्व पद गौण होगा, इसलिए उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, देश प्रेम, देश प्रेम। जब आप इस समास का विग्रह करेंगे तो होगा देश से प्रेम करने वाला, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम। देखिए यह कौन है, इसमें प्रधान क्या है, प्रेम। क्यों? क्योंकि यह प्रेम किसके लिए है, देश के लिए है। यह प्रेम किसके लिए है, देश के लिए है। तो उत्तर पद क्या हो गया, इसका प्रधान हो गया। और जब उत्तर पद प्रधान होता है तो वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे सुख प्राप्त, जैसे सुख, जैसे जैसे सुख प्राप्त, क्या सुख प्राप्त। अभी जब आप इसका विग्रह करेंगे होगा सुख को प्राप्त करना, सुख को प्राप्त, यानी जो सुख को प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर क्या है प्रधान, क्या है प्राप्त करना, सुख नहीं प्राप्त करना, यानी कि जो प्राप्त कर रहा है सुख को प्राप्त। इसका विग्रह होगा सुख को प्राप्त, और यहां पर जो प्राप्त है यह क्या है, उत्तर पद है, उत्तर पद है और यही प्रधान है, इसीलिए इसमें क्या है तत्पुरुष समास है। अब आपको मैं बता दूं कि तत्पुरुष समास भी छह प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास भी कितने प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास भी आपके छह प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास जो आपका होता है वह भी छह प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास छह प्रकार के होते हैं। पहला है कर्मधारय तत्पुरुष, पहला होता है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष किसे कहते हैं, तो वे समास कर्म तत्पुरुष जहां कर्मकार की विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है। जहां कर्मकार, क्या जहां पूर्व पद में कर्मकारक, कर्मकारक की विभक्ति, कर्मकारक की विभक्ति का को, का को का लोप होता है, का को का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष जहां पूर्व पद में कर्मकारक की विभक्ति को का लोप होता है, वहां जब आप
तत्पुरुष समास के कर्म तत्पुरुष समास का विग्रह करेंगे तो उसमें को विभक्ति का हमेशा क्या रहेगा लोप रहेगा, या जब उसे समास में बदलेंगे जैसे गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, जब इसका आप समास में बदलेंगे, जब आप इसको एक शब्द समास में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा गगन चुंबी, क्या हो जाएगा गगन चुंबी। यह हो गया आपका गगन चुंबी। इसमें क्या है, इस बीच में को का क्या है लोप है, को छुपा हुआ है, इसलिए यह क्या है कर्म तत्पुरुष है। जैसे ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथ को लिखने वाला, इसका जब आप समास, इस विग्रह को जब आप समास में बदलेंगे तो हो जाएगा ग्रंथाकार, क्या हो जाएगा ग्रंथाकार, ग्रंथाकार, क्या हो जाएगा ग्रंथाकार, क्या हो गया आपका ग्रंथाकार। परोपकार करने वाला, परोपकार को करने वाला, परोपकारी, क्या हो जाएगा परोपकारी, या दूसरों को, दूसरों का उपकार करने वाला क्या होगा परोपकारी। इस सब में क्या है, इनके सभी समास पद में को का लोप है, और जिन समास समस्त पद में को का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं, या तत्पुरुष समास का पहला भेद है। अब बात करते हैं दूसरे भेद की, अब बात किसकी करेंगे दूसरे भेद की। दूसरा भेद क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष, क्या होता है संप्रदान तत्पुरुष, या कर दूसरा भेद कर लेते हैं करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, दूसरा भेद कर लीजिए करण तत्पुरुष को। करण तत्पुरुष क्या होता है, जहां करण कारक की विधि से या की के द्वारा का लोप होता है, यहां क्या होता है कि करण तत्पुरुष में, तत्पुरुष समास में करण कारक चिन्ह का, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास में करण विभक्ति, करण विभक्ति से या से के द्वारा, से या के द्वारा, करण तत्पुरुष समास में करण विभक्ति के चिन्ह, के चिन्ह से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे गुणहीन, क्या गुणहीन, इसका जब आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा गुण से हीन, गुण से हीन, गुण से हीन, क्या होगा गुण से हीन। जनमान, जनमान, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। आप देखिए करण तत्पुरुष में क्या होता है, करण तत्पुरुष
तत्पुरुष समास का दूसरा भेद होता है करण तत्पुरुष, और करण तत्पुरुष समास में करण विभक्ति के चिन्ह से या के द्वारा का लोप होता है, जैसे गुणहीन गुड़ से हीन, जलमान जल से अंधा, रसपूर्ण रस से पूर्ण, गुड़ से युक्त गुणयुक्त, तमाम उदाहरण है आपके। अब आप तीसरा देखिए, संप्रदान तत्पुरुष तीसरा रूप होता है इसका। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष तीसरा रूप होता है इसका संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष तीन भेद आज पढ़ेंगे, तीन भेद के बारे में हम कब पढ़ेंगे और उसके बाद तब हम आगे का समास पढ़ेंगे, ठीक। संप्रदान तत्पुरुष में जो होता है के लिए कारक चिन्ह का संप्रदान संप्रदान तत्व पुरुष समास में के लिए चिन्ह का के लिए चिन्ह का लोप होता है के लिए चिन्ह का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए चिन्ह का क्या होता है? लोप होता है। उदाहरण से देखिए, उदाहरण जेब खर्च जेब खर्च जेब के लिए खर्च जेब खर्च, इसका विग्रह करेंगे तो होगा जेब के लिए खर्च जेब के लिए खर्च, और जेब के लिए खर्च में जो के लिए है वही इस समस्त पद में छुपा होता है और उसे क्या कहते हैं? संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। गुरु के लिए दक्षिणा, जैसे दूसरा ले लीजिए गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा क्या होगा? गुरु दक्षिणा क्या होगा? गुरु दक्षिणा। इसमें देखिए के लिए विग्रह है, समस्त पद क्या है? गुरु दक्षिणा, और इसमें के लिए क्या है? छुपा हुआ है। क्या है? छुपा हुआ लिया है। गौ गौशाला गौशाला देखिए क्या गौशाला, गौ के लिए शाला यानी गाय के लिए घर, गाय के लिए घर, जहां पर के लिए क्या है? छुपा हुआ है। तो धन्यवाद, में आप लोगों को मैं बता दूं कि तीन प्रकार तो आज तत्पुरुष समास के पढ़ लिए, तीन प्रकार और कर्मधारय समास आपको कल बताया जाएगा। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।